मैगजीन में वीडियोस में कहीं पर क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन 9 प्रायोरिटीज। नौ प्राथमिकताएं। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि किसी भी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स द गवर्नमेंट नीड्स टू डू। कई सब कल के साथ एम्प्लॉयमेंट पे बात की थी, स्किलिंग पे बात की थी, देन डिस्कस अबाउट द एमएसएमई एंड देन द मिडिल क्लास, इसकी बात करोगे। अब इस सब को लेकर के ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होगा, ये स्किलिंग कहाँ नीड है, ये एमएसएमई कैसे करेंगे, इन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस, बजट डिपार्टमेंट अनाउंस किया है कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। पहला है एग्रीकल्चर, फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर लिखा गया। यू मस्ट नोट दैट कि यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में यू कैन नॉट बिलीव कि 40% सिलेबस टोटली बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफी की, इकोलॉजी, एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी। जो 11 टॉपिक गिवन है उसमें 4 टॉपिक टोटली जो है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सम टाइम यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स आल्सो फ्रॉम एग्रीकल्चर टॉपिक। हेडिंग माय पॉइंट ना, एग्रीकल्चर का पूरा लेक्चर प्लान जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपका ये एनिमल हस्बेंड्री हो, ऑल आर इंटर रिलेटेड और डायरेक्टली रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ले, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया में सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, कई सारे प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक्स बताइए आपका। लोन प्रॉब्लम मतलब लोन नहीं मिलता है, ठीक है, मॉनसून डिपेंडेंस, इरिगेशन प्रॉब्लम, ओके, और टेक्नोलॉजी, पुअर टेक्नोलॉजी यूज, जी प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, स्मॉल फार्म, साइज ऑफ द लैंड इज वेरी स्मॉल, मार्जिनल है ना, ये भी है। अब देखो इन सारे प्रॉब्लम का, ऑल आर प्रॉब्लम जो कि हम 7th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ते हैं, बट फॉर अ सिविल सर्वेंट अगर पूछा जाए तो 2-3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और इस सारे प्रॉब्लम का जड़ रूट जो है, रूट कॉज वही है। क्या है पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में है उसके डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंस के बाद से ही कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं बनाई गई। कैन यू बिलीव 1948, 1956, 1977, 1980, 1990, 1991, these are the industrial policy announced by the government of India since the independence. Industrial policy सारे हैं, इसके बीच भी कई सारे आए, 1969 में आया, 1972 में आया, 1985 में आया, but these are the main industrial policy जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ। But for agriculture sector, the first policy of agriculture was introduced by the government of India in 1992. Means after 45 years of independence, agriculture sector got its first agriculture policy. और कोई भी सेक्टर पॉलिसी के absence में उसका proper development हो ही नहीं सकता है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्लानिंग में लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दिया, बट हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा क्या नहीं किया, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई। देयर आर टू टर्म्स, पॉलिसी एंड प्लानिंग। प्लानिंग जो आप पढ़ रहे हैं और पॉलिसी आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, एंड इफ योर पॉलिसी इज रॉन्ग तो चाहे आप 8 आवर पढ़ लो चाहे 12 आवर्स पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होता। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर का लैक ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी सिंस द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 45 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर्म किया था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं, ये सिंपल बात है, अगर पॉलिसी सही होता
इरिगेशन, टेक्नोलॉजी, लोन फैसिलिटी, ये सब मिल जाता। हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे दिया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन ला दिया, कभी कुछ कर दिया, बट ओवरऑल पॉलिसी का लैकिंग देखा गया। सेकंड पॉइंट क्या रहा, एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। एमएसपी कौन अनाउंस करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है। अभी जो फार्म लॉ बनाए गए थे, तीन जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, पता होगा उनको, कौन बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट एग्रीकल्चर अंडर द स्टेट लिस्ट, बट एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर मस्ट बी इन द कॉन्करेंट लिस्ट। स्वामीनाथन साहब जिनको अभी मिला है भारत रत्न, उनकी डेथ हो गई कहते कहते कि एग्रीकल्चर को लाओ आप कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, ना कि राज्य सूची में या केंद्र सूची में, बिकॉज एग्रीकल्चर पे दोनों लोग काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक पॉइंट ये रह गया एग्रीकल्चर का नाम। और थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं, दे नॉट गेट द प्रॉपर प्राइसेस, प्रॉपर रिटर्न ऑफ देयर प्रोड्यूसेस। आप उनको सब कुछ दे रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग देम सब्सिडी, यू आर प्रोवाइडिंग देम लोन, उन्हें कहा नहीं मिलता, लोन भी मिलता है थोड़ा सा हार्ड रेट पर या मुश्किल से मिलता, मिल जाता है। टेक्नोलॉजी भी इतना पुअर नहीं है। सबसे प्रॉब्लम है कि इंडिया में फार्मर्स को क्या नहीं मिलता है, उनके प्रोड्यूस का एक्चुअल प्राइस नहीं मिलता है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ दिल्ली से क्लास लेना, अब मुझे रहने के 5-स्टार होटल दे दें, मुझे अच्छा खाना पीना दें, गाड़ी वाड़ी घूमने सब दे दें मुझे, सिर्फ मुझे जाने के समय पैसा ना मिले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देन मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, बोरो करना पड़ेगा। फार्मर क्या ही तो है, कैन यू बिलीव, जो पोटैटो हम लोग 20 रुपीज में परचेज करते हैं पर केजी, या 15-20 जो भी रेट है वो परचेज करते हैं, पता है फार्मर उस पोटैटो को 1 से 2 रुपये में बेचता है, बाकी सारे मिडिल मैन लेते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है। 1 to 2 रुपीज फार्मर बेचता है बल्क में, जो रूरल फार्मर होते हैं वो डायरेक्टली जाकर फार्म में बेच देते हैं मंडी में, उनको फायदा हो जाता है। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो 1 to 2 रुपीज के, गांव में जाकर देखो ना, जब आलू होता है उस समय वो बड़े बड़े व्यापारी लेते हैं, खरीद कर 2 रुपये 1 रुपये किलो और स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में और फिर हायर प्राइस। मिडिल मैन आर अर्निंग मोर मनी बट फार्मर्स आर नॉट अर्निंग। कंज्यूमर इज पेइंग, कंज्यूमर पेइंग 50-20 रुपीज बट फार्मर्स आर नॉट गेटिंग द गुड रिटर्न जस्ट बिकॉज ऑफ मिडिल मैन, लार्ज मिडिल मैन, डायरेक्ट सेलिंग का। और फूड ग्रेन के मामले में एमएसपी जो है ना वो सिर्फ 24 क्रॉप्स के लिए है, और एमएसपी जो है उस पर शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी पे सिर्फ इंडिया के 6% फार्मर ही अपने प्रोड्यूस को बेच पाते हैं, सिर्फ 6% फार्मर। इट मीन्स व्हाट कि एमएसपी का बेनिफिट सबको नहीं मिल पा रहा है। तो गांव में जो हम लोग वीक अगर मान लो 25-30 kg परचेज कर रहे हैं, फार्मर उसको 10 रुपीज में बेचता है, 12 रुपीज बेचता है, 1/3 फार्मर गेटिंग ओनली 1/3 प्राइसेस ऑफ देयर फूड प्रोड्यूस, ग्रेन्स प्रोड्यूस। और वेजिटेबल्स के मामले में, फ्रूट्स के मामले में 15-20% ओनली। ये सब नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये मेरे पर्सनल रिपोर्ट नहीं है। फ्रूट्स वेजिटेबल के मामले में 15-20% एंड फूड ग्रेन्स के मामले में 1/3 ओनली, 1/3। देन फार्मर्स प्रॉब्लम, अगर फार्मर को कुछ मत करो, मुझे यहाँ रहने का होटल मत दो, मुझे रहने का गाड़ी मत दो, मुझे खाने का पैसा मत दो, मैं जो कमाता हूँ वो पैसा दे दो मुझे ना, आई विल बी बेनिफिशियर। फार्मर का ही प्रॉब्लम तो रहा है। फार्मर को अब लोन वेव कर रहे हैं, फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं, फार्मर को एमएसपी दे रहे हैं, फार्मर को सब कुछ दे रहे हैं, फार्मर को उसके प्रोड्यूस का एक्चुअल प्राइस नहीं दे रहे हैं, रीजनेबल प्राइस नहीं दे रहे हैं। अब मिडिल मैन एक माजा में, एक मैंगो में, एक स्लाइस में, एक फ्रूटी में कितना मैंगो होता होगा, फ्लेवर्स हैं केवल। एक अंकल चिप्स का जो पैकेट 10 रुपये का आता है, उस एक चिप्स के पैकेट में कितना होता होगा आलू, 10 रुपये वाला मुश्किल से एक आलू, एक मिडिल मीडियम क्लास का साइज का आलू होता होगा, और क्या। एक पोटैटो की कॉस्टिंग कितनी होगी, 1 रुपये में कौन पोटैटो आएगा भाई, वो तो 1 रुपये में किलो खरीदते हैं वो लोग, 1 रुपये में पोटैटो किलो खरीदते हैं वो लोग। हाँ, दे हैव बिग फैक्ट्री, बिग इन्वेस्टमेंट, बिग मार्केटिंग, बट दे आर गेटिंग 400-500% प्रॉफिट। तो ये एग्रीकल्चर फार्मर का, फार्मर को एक्चुअल प्राइस ना मिलना, ये बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। बार बार गवर्नमेंट चाहती है कि हम ऐसा करें जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को
प्राइसेस मिले, फार्मर को प्राइसेस मिले, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह की सिलेक्शन आप इसीलिए हो रहा है, तो आप अब सेवेंथ और टेंथ क्लास के जो इश्यूज हैं उनको आप साइड कीजिए, थोड़ा सा रखिए वो सब, इरीगेशन प्रॉब्लम और लोन प्रॉब्लम, अदर लिटरेसी प्रॉब्लम सब है, लेकिन सब प्रॉब्लम का जड़ जो है ये प्रॉब्लम है। अगर फार्मर को प्राइस मिल जाए ना तो फार्मर ट्रैक्टर खुद खरीद ले, फार्मर को लोन की आवश्यकता नहीं होगी। मैं पढ़ा करके मकान मतलब नहीं खरीदता हूं, मतलब मान बोल रहा हूं, बोला खरीद लो, क्यों? बिकॉज आई एम गेटिंग द गुड रिटर्न। अब मुझे सारा कुछ दो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा होटल दो, सब कुछ दो, बट सिर्फ मुझे अपना फीस मत दो, देन आई विल सफर द प्रॉब्लम, आई विल फेस द प्रॉब्लम। दिस इज द बेस्ट मोन प्रॉब्लम, और इंडिया में यही प्रॉब्लम रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर नॉट गेट द गुड रिटर्न ऑफ देयर प्रोड्यूसर्स, व्हाइल जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, दे आर गेटिंग द मोर प्रॉफिट, 400-500% प्रॉफिट। फार्मर को तो प्रॉफिट दूर, अच्छा फार्मर में क्या नेचुरल कैलामिटीज है, बार बार नेचुरल कैलामिटीज आता है, मॉनसून पर डिपेंडेंसी होने का वो भी है, तो फार्मर की ये सब चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में आना है। सो आई मीन टू से कि फार्मिंग जो है कई सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ, कोई पूछा है क्या? एमएसपी मत फंसाओ मुझे, एमएसपी क्या बोले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है मेंस में, आपके सिलेबस में है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 24 क्रॉप्स हैं इसमें, 22 ही है, दो ऐड किया गया मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, तो ये एमएसपी कभी पढ़ेंगे आप जब सिलेबस पढ़ेंगे। अब नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाई एंड हाउ एग्रीकल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, किसी भी अपने कंट्री में, नॉट इन अमेरिका, नॉट इन फिनलैंड, नॉट इन जर्मनी, नॉट इन जापान, बट फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? इम्प्लॉयमेंट देता है, ये करेंगे इम्प्लॉयमेंट देता है, चलिए मान लिया मैंने 60% वर्किंग पॉपुलेशन या इम्प्लॉयमेंट, चलिए 60%, अब मुझे थोड़ा सा फिगर पे डाउट है लेकिन फिर मैं लिखा, कोई बात नहीं, हम मान लिया, मैंने वो एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा है, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा, बजट पढ़ रहा है ना, क्योंकि इसे जोड़ूंगा ना मैंने कि उसके लाया गया है, आपको ये बहुत जरूरी है, यहाँ बजट नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं बजट का क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में जाता हूँ, पीछे की बातें करता हूँ। हाँ और बताइए, और एग्रीकल्चर के क्या बेनिफिट्स? अच्छा फूड सिक्योरिटी, हाँ बिकॉज प्रोड्यूशन होगा तो फूड सिक्योरिटी होगा, वेरी गुड। इधर कुछ बोल रहा था कोई, और क्या होगा? लार्ज रूरल पॉपुलेशन मतलब क्या, एंगेजमेंट है इसका, तो उससे क्या होगा, उनका मतलब अर्निंग बढ़ेगा, उनका पॉवर्टी कम होगी, चलिए पॉवर्टी या रूरल पॉपुलेशन, और मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज ग्रोथ, कंट्रीज डेवलपमेंट, कैसे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस है, आप ये चार पांच पॉइंट, और कोई पॉइंट बोलिए। एफडीआई भी आएगा, मैं टाइम दूंगा, हाँ जैसे गवर्नमेंट के स्कीम है ना, पीएम मित्रा पार्टी, नहीं पहले आपने एफडीआई बोला फिर आपने पीएम मित्रा बोला, दोनों में कुछ अंतर है, पहले जान लीजिए कि एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउ नहीं है, सिर्फ हॉर्टी एग्रीकल्चर में कुछ एक्सेप्शन है, हॉर्टिकल्चर, टी प्लांटेशन, इसमें एग्रीकल्चर में अलाउ है, बाकी जगह एग्रीकल्चर में अलाउ नहीं है। एग्रीकल्चर में एफडीआई के एक्सेप्शन में पढ़ा जाता है कि जो अगर बागवानी फसलें वगैरह होती है, कृषि वगैरह, वहां पे आ जाएगा, फूड पार्क में आ जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर जो फार्मिंग करते हैं वहां पे एफडीआई अलाउ नहीं है। हाँ आप पीछे बोल रहे थे, बढ़ेगा, हाँ जल्दी ठीक है, तो भाई तुम्हें पूछ रहा हूँ ना, थोड़ा सा बेसिक क्यों नहीं जान रहे हो तुम लोग, बेसिक मतलब ठीक है आपने अच्छा बोला, आंसर बोला, कोई आंसर गलत नहीं है। सबसे पहला देखो, एग्रीकल्चर को मूविंग फोर्स कहा जाता है इकोनॉमी के लिए। एग्रीकल्चर क्या है? सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर के लिए ए प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल है। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतने ही, क्योंकि एग्रीकल्चर कई सारे फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैंने बताया, चिप्स, चाहे माजा, चाहे जूस, चाहे कॉटन, सब चीज कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर ग्रो करेगा,
इफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपके सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर। और सप्लाई कैसे होगा, यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा, टर्शियरी सेक्टर के थ्रू। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन होता है तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा, और फिर सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या मिलेंगे, रॉ मटेरियल मिलेंगे, तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होगा सो डेफिनेटली क्या होगा, फार्मर का ग्रोथ होगा, बिकॉज फार्मर विल गेट द गुड इनकम। और अभी उन्होंने कहा कि 50-60% लोग जो इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब इतने लोगों का इनकम इंक्रीज होगा, देन व्हाट, इफ एग्रीकल्चर इन गुड शेप गुड कंडीशन, सो डेफिनेटली द 50% जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका इनकम इंक्रीज होगा। और जब फार्मर का इनकम इंक्रीज होगा सो दे विल डिमांड फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, फिर से डिमांड करेंगे। देश की आधी आबादी तो वही है जो रूरल एरिया में रहती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रहती है, इंगेज है। अगर उनका इनकम बढ़ेगा तो दे विल डिमांड मोर बिस्किट, दे विल डिमांड मोर ब्रेड, दे विल डिमांड मोर क्लॉथ, दे विल डिमांड मोर शूज, दे विल डिमांड मोर ट्रैक्टर, दे विल डिमांड मोर पंप सेट, दे विल डिमांड मोर थ्रेसर। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का इनकम का बढ़ना सेकेंडरी सेक्टर को बूम देता है और टर्शियरी सेक्टर को भी बूम देता है, इसलिए एग्रीकल्चर को मूविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। और खासकर स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया मूविंग फोर्स है ये। अगर ये कंडीशन खराब हो गया, एग्रीकल्चर खराब हो गया तो क्या हो गया, अगर मान लो कि पोटैटो प्रोड्यूस नहीं हुआ, मैंगो प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, आपके वहां रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा तो कॉस्टली मिलेगा, और कॉस्टली मिलेगा तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सिंपली एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, यहाँ के गुड्स कॉस्टली हो गए, तो क्या होगा, वहां पर एक्सपोर्ट नहीं होगा, डिमांड कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, एग्रीकल्चर को किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी नहीं, इंडिया इकोनॉमी का एक मूविंग फोर्स माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द ऑल थ्री सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको जो आपने बोला वो भी, ये भी ऐड करिए कि ये सेकेंडरी सेक्टर का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और ये प्रोवाइडर भी है और कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी सेक्टर का कंज्यूमर भी है ये,